के नवीनतम संचार उपग्रह जीसेट 18 का आज तड़के फ्रेंच गुआना के कारू से सफल प्रक्षेपण किया गया। आज मौसम सही होने के बाद यूरोपीय एरियन 5 VA-231 रॉकेट के जरिए तड़के करीब 2 बजे इसे लॉन्च किया गया। जीसेट 18 इसरो का 20वां उपग्रह है जिसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। इन तस्वीरों के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बनाए गए संचार उपग्रह जीसेट 18 का फ्रेंच गुयाना के कोरू से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। 3,404 किलोग्राम वजन वाले इस उपग्रह का प्रक्षेपण भारतीय समय अनुसार आज सुबह 2 बजे किया गया। इसका प्रक्षेपण अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एरियन स्पेस के एरियन 5 उपग्रह प्रक्षेपण यान से किया गया। VA-231 नामक इस मिशन में जीसेट 18 के साथ ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह स्काई मास्टर 2 भी छोड़ा गया। प्रक्षेपण के तकरीबन 32 मिनट बाद जीसेट 18 को उसकी तय कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जीसेट 18 इसरो का 20वां उपग्रह है जिसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। एरियन स्पेस लॉन्चर परिवार का एक कुल मिलाकर 280वां लॉन्च था। इसरो अपने भारी भरकम सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए एरियन 5 रॉकेट पर निर्भर रहा है। जीसेट 18 की सफलता पर इसरो ने खुशी जाहिर की है। आई एम रियली डिलाइटेड दिस इवनिंग हैविंग विटनेस्ड अनदर ग्लोरियस एंड फ्लॉलेस लिफ्ट ऑफ ऑफ एरियन VA-231 फ्लाइट दैट कैरीड इंडियाज GSAT-18 सैटेलाइट अलॉन्ग विद इट्स को पैसेंजर स्काई मास्टर 2 सक्सेसफुली। Like on all previous occasions, Ariane Space has provided us yet again a magnificent textbook launch. Ariane Space के लिए ये इस साल 8वां लॉन्च मिशन था। जीसेट 18 की अनुमानित परिचालन आयु 15 साल है। प्रक्षेपण यान से अलग होने के बाद इसरो की कर्नाटक के हसन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा इसका नियंत्रण संभालेगी। इसके बाद 3 बार इसके कक्ष को बदलकर इसे 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर लाया जाएगा। जीसेट 18 48 ट्रांसपोंडर के साथ देश का नवीनतम संचार उपग्रह है जो संचार संकेतों को हासिल करेगा। ये सी बैंड, विस्तृत सी बैंड और कू बैंड पर सेवाएं देगा। इसका उद्देश्य भारत में संचार सेवाओं को बेहतर बनाना है। फिलहाल संचार सेवाओं के लिए इसरो के पास 14 सैटेलाइटों का बेड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GD News.